हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमके ज्ञान हिंदी चैनल में। आप दोस्तों में जोड़, घटाव, गुणा और भाग है, इन सभी को उत्तर की जांच किस प्रकार से करते हैं आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि जोड़ की उत्तर की जांच कैसे कैसे करेंगे, घटाव की उत्तर की जांच कैसे करेंगे और गुणा की उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, भाग की उत्तर की जाँच कैसे करेंगे। चलिए जोड़ में 7 और 3 जोड़ेंगे। पहले 7 और 3 10 होता है, 10 की 0 आएगी, हासिल लगेगी इसमें। अगली संख्या में 6 और 4 10 होता है, हासिल लग जाएगी 11 हो जाएगा। और 5 और 3 8 होता है, हासिल आ जाएगी 9 हो जाएगा। हमारा जब उत्तर 910 आया है तो हम जोड़ जब हम जोड़ के उत्तर की जांच करेंगे तो जो 910 हम ऊपर लिखेंगे। अब इसके नीचे ही हम या तो 343 या 567 को हम 910 के नीचे लिखेंगे। अगर हम 567 910 के नीचे लिख रहे हैं तो हमारा उत्तर ये वाला आएगा, यानी 343 आएगा। अगर हम 343 लिख रहे हैं 910 के नीचे तो 567 आएगा। चलिए कोई भी हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे कि अभी 343 लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, घटाओ। जब घटाओ करेंगे तो इसको 0 में से 3 तो घटेगी नहीं, हम इसको 10 मानेंगे। 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। जब 7 आ जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, 0। 0 बचेगा, 0 में से 4 नहीं घटेगा तो फिर हम इस संख्या लेंगे और 10 बनाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ये वाली संख्या इससे मैच कर रही है तो हमारा जोड़ एकदम सही है। अब चलते हैं घटाव में। घटाव में किस प्रकार के उत्तर की जांच करते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब 3 में से 4 नहीं घटेगा, हम इसे एक हासिल लेंगे। हासिल में से इसको ये 13 बन जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचा, अभी हमारा जब हमने एक अंक दे दिया तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना होता है कि अगर हम घटाव के उत्तर की जांच करते हैं, हमने घटाव में जोड़ करेंगे और जो हमने जोड़ में किया था इसमें माइनस, यानी घटाव किया है। अब हम इसमें करेंगे जोड़, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, हासिल आएगी 1। 3 और 2 5, हासिल 1 6, यानी कि ये वाली संख्या, ये जो हमने इसका इसका हम जोड़ देंगे और ये हमारा ये 637, तो 637 हमारा उत्तर आ गया, यानी हमारा घटाव एकदम पूरा सही है। गुणा करते हैं। गुणा का हम 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 8 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा, 10 की 0 लिखेंगे हासिल आएगी 1, 2 का पहाड़ा 3 बार 2 3 2 3 6, 6 1 7, 2 2 4। जो हमें अब इसका उत्तर की जांच करना है तो दोस्तों क्या करना है, हमें 2 का भाग दे देना है। 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, हम 4 लिखेंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा। अब अंक उतारेंगे 7 का। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 7 नहीं आ जाता, 2 2 3 6 2 3 6, 3 बार में आया, हम 6 लिखेंगे और 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा अब अंक उतारेंगे 0 का, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 10 हो गया। 2 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 10 नहीं आ जाता, 2 5 10, 0 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ भी नहीं, अंक उतारेंगे 8 का, अंक उतारेंगे 8 का। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 8 नहीं आ जाता, 2 चौको 8 8 आ गया। अब हमारा पूरा भाग हो गया। जो हमारा ये आया है ये हमारा उत्तर की जांच है हमारा ये, और जैसे हमने गुणा किया हमारा ये मिलना चाहिए, तो हमारा ये मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 2354 2354, हमारा क्या गुणा एकदम सही है। भाग करेंगे, 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, अंक उतारेंगे 5 का। अब हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 15 से ज़्यादा ना हो, 2 7 14, 7 बार में आया तो 14 लिखेंगे, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, अंक उतारेंगे 4 का, फिर 2 7 14, 14 आ गया और हमारा भाग हो गया। अब दोस्तों हम करेंगे इसका गुणा, यानी कि दोस्तों देखना है कि जोड़ और घटाव और गुणा भाग जब भी हम उत्तर की जांच करेंगे तो ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि हमने जोड़ में किया था तो इसका उत्तर की जांच हमने घटाव से किया, और जब हमने घटाव की उत्तर की जांच की तो हमने ठीक विपरीत जोड़ हो गया। जब हमने गुणा किया तो भाग, अब भाग किया तो गुणा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है और हमें उसी के आधार पर उत्तर की जाँच करना है। तो हम करेंगे यहाँ पर गुणा, 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 का गुणा 7 में करेंगे
तो 7 दूना 14, 14 की 4 हासिल आएगी, 1, 7 दूना फिर 14, 14 1 15, 15 की 5 हासिल आएगी, 1, 2 एकम 2 हासिल 1 3, यानी 354 आया है, 354 हमारा भाग पूरा सही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।